हुआवे अपने शानदार डुअल कैमरास, बेहतरीन क्वालिटी और स्पेक्स की वजह से जाना जाता है और इसी वजह से लोग हुआवे को बहुत पसंद करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं शायान और आप देख रहे हैं विकेट चैनल और आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं हुआवे नोवा 2S। तो चलिए बगैर किसी दिक्कत के शुरू करते हैं। मेरे हाथ में है हुआवे नोवा 2S का बॉक्स जिस पे हुआवे नोवा 2S की ब्रांडिंग है और बैक साइड पर लिखा है हुआवे नोवा 2S AL वर्जन 4GB रैम 64GB रोम के साथ। तो चलिए इस डिवाइस को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें एक्सेसरीज में फोन के साथ और क्या मिलने वाला है। गाइस, तो सील को ओपन करते हैं और ये मैंने सील को यहाँ पे ओपन कर दिया है। बॉक्स को ओपन करते हैं और ये मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया। बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले हमें ये डिवाइस मिलती है हुआवे नोवा 2S की, जो हाथ में बहुत ही प्रीमियम लुक दे रही है। इसको साइड पर रखते हैं और अब देखते हैं कि हमें बॉक्स में और क्या मिलने वाला है। उसके बाद हमें ये मिलता है 3D ग्लास, जो कि मुझे एज अ गिफ्ट मिला है। और इसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में है ये कुछ पेपर वर्क है और ये है यूजर गाइड, जो कि टोटली चाइनीज में है। और इसके बाद यहाँ पे है ये एक केसिंग है जो स्पेशली हुआवे नोवा 2S के लिए है, आप देख सकते हैं। और राइट, इनको करते हैं साइड पे और देखते हैं। तो गाइस, अब देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। ओके, तो इस बॉक्स में है एक सिम इजेक्टर। ओके, अब बॉक्स को खोलते हैं। ऑलराइट, तो बॉक्स को खोलने पर मिलता है हमें एक चार्जर, उसके साथ है एक हेडफोन्स और उसके बाद है एक USB केबल फॉर चार्जिंग। ओके, अब इन सब चीजों को करते हैं साइड पर और डालते हैं नजर मोबाइल पे। ऑलराइट, ओके, तो ये है मोबाइल और इसकी सील को ओपन करते हैं। ये मैंने इसकी सील को ओपन कर दिया और फर्स्ट इंप्रेशन मेरा इसको हाथ में पकड़ने पे बहुत ही शानदार फील हो रहा है। जो इसकी बिल्ट क्वालिटी है और जो इसकी लुक है बहुत ही शानदार बनाई गई है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो यहाँ पे मिलती है हमें 6 इंच की स्क्रीन और यह है रेजोल्यूशन 1080x2160 पिक्सल्स का 18:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ। यहाँ पे है फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि फ्रंट पर माउंट किया गया है, फ्रंट पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हैं दो कैमरास, आप देख सकते हैं 20 मेगापिक्सल का और दूसरा है 2 मेगापिक्सल का। और साथ ही में यहाँ पे है LED फ्लैश और बैक साइड पर भी डुअल कैमरा है जो कि है 16 और 20 मेगापिक्सल के LED फ्लैश के साथ। और इसकी ये जो बैक फिनिशिंग है, ये जो बैक है, काफ़ी ग्लॉसी है, काफ़ी शाइनी
है, और इसके बाद हम अगर नीचे बॉटम पर नजर डालें तो हमें यहाँ पे मिलता है एक 3.5 mm ऑडियो जैक, एक टाइप यूएसबी टाइप सी पोर्ट, और यहाँ पे है स्पीकर, यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं सिम, हाइब्रिड डुअल सिम है, और इसके बाद यहाँ पे है पावर बटन, और इसके बाद ये है वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन बटन। ओके, तो ये आप देख सकते हैं मोबाइल आपके सामने है और कुछ ऐसा दिखता है, और इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन काफी शार्प है जो कि है 1080x2160 पिक्सल्स की, एस्पेक्ट रेशियो 18:9 का है, और ये आप देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं कैमरा की तरफ जो कि इसका मेन पॉइंट है, और ये आप देख सकते हैं ये है इसका फ्रंट कैमरा, इससे एक स्नैपशॉट लेते हैं। ऑलराइट, और ये है आपके सामने जूम और विदाउट जूम। ओके, इसके बाद चलते हैं बैक कैमरा में, ये है बैक कैमरा। ओके, आप देख सकते हैं, ये आपको दिखा देते हैं, ये देखिए और ये देखिए। ओके, और साथ ही मैं बताता चलूं कि ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 8.0, और साथ ही मिलता है इमोशन यूआई 8.0, और इसका चिपसेट जो है वो हाई सिलिकॉन किरण 960 का है, और माली है G71MP8, इसकी बैटरी है 3340mAh की। आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि काफी एक्यूरेट काम करता है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए काफी फास्ट है, ये देखिए काफी ही फास्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिए। मैं इसी तरह की और भी वीडियोस लाता रहूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।